शासन का ऐसा आदेश इन लोगों ने पढ़ा कि गणपति जी और दुर्गे माता का ऐसा जो उत्सव मनता है उसमें कुछ उन्होंने गाइडलाइन तय की है, जिसका जो इन लोगों को माने नहीं है। संस्कृति बचाओ मंच के तत्वाधान में जो गणेश जी की प्रतिमा बनाते हैं और दुर्गे माता की प्रतिमा बनाते हैं, वो लोग और जितनी भी गणेश उत्सव समिति और दुर्गा उत्सव समितियां हैं वो लोग के प्रतिनिधि यहाँ आए हुए हैं। इन्होंने कल मुझसे चर्चा भी की थी और कहा हम आपको ज्ञापन देना चाहते हैं, तो ज्ञापन आज दिया है। इनका कहना है कि हम सब उन शासन की जो गाइडलाइन होगी वो हम मानेंगे, सभी नियम कानूनों का पालन करेंगे, चाहे वो स्थापित होने से लेके और विसर्जन तक शासन की जो गाइडलाइन होगी वो हम मानेंगे, परंतु हमारे उत्सव मनाए जाएं, गणेश जी की स्थापना होती है वो विराजमान हो गणेश जी दुर्गे माता, मुझे लगता है कि नियम कानून के अंतर्गत ये होना चाहिए। और काफ़ी त्यौहार ऐसे रहे हैं जो कोई भी मना नहीं पाए, परंतु अब ऐसी स्थिति है, लोगों को समझ में आ गया है कि हमें अपना बचाव स्वयं करना है, तो ज़्यादा भीड़ ना लगाते हुए मुझे लगता है कि ये कार्य होना चाहिए और उत्सव मनाने चाहिए। तो मैं इनकी बात को लेकर के माननीय गृह मंत्री जी के पास जाऊंगी और चर्चा करूंगी। मुझे लगता है कि जो भी उत्तर आएगा पक्ष में ही आएगा।